हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ चुके हैं नेपाल के पोखरे ज़िले में, जो कि यहाँ नेपाल में स्थित है। यह है वहाँ के कुछ अनोखे दृश्य, जो कि बहुत कम ही लोगों को नसीब होता है, क्योंकि यह पहाड़ी के बहुत ऊपर है। यहाँ लोग बहुत कम ही आ सकते हैं। यहाँ महादेव का प्रतिमा रखा हुआ है, जो कि आप देख ही सकते हो कितनी बड़ी है। ये इसके अंदर अंदर जो है शिवलिंग दिए हुए हैं, जो कि आप देख ही सकते हो कितना सुंदर दृश्य है। यह मेरे कुछ दोस्त वगैरह जो वहाँ घूमे हुए हैं। मैं हूँ कि मैं दो मिनट पे तो ब्लॉगिंग करने लगता हूँ, मुझसे वो बहुत परेशान हो चुके हैं। बोल रहे हैं तो ऐसे ही ब्लॉगिंग करेगा तो मैं तुझे छोड़ के भाग जाऊँगा यहाँ से। मैंने कहा जाओ यार, मुझे अकेले भी उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डमरू जैसा, इसके अंदर कोई मुझे लगता है ताला वगैरह दे रखा, बहुत ऊंचा है यह। ये मुझे लगता है नीचे जाने का रास्ता भी दे रखा है कुछ है। ये देखिए पोखरा दिख रहा है यहाँ से, कितना हाईएस्ट सिटी है। मुझे ये नहीं समझ में आता, भगवान ऐसी जगह पे क्यों आते हैं जहाँ इतना मुश्किल होता है। चढ़ते चढ़ते तो मेरी हालत ख़राब हो गई है, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। होटल से डायरेक्ट मैं यहीं पे चला आया हूँ। चढ़ते चढ़ते मुझे लगता है 2 बज गए हैं, अभी पहुँचा हूँ। पहुँचते ही तुरंत ब्लॉगिंग करने लगा मैं। यह है अपोजिट साइड का कुछ पीछे से दिख रहा है। ये नीचे का रास्ता जो कि बहुत ऊंचा है, वो वीडियो में दिख रहा होगा। जो टैक्सी वगैरह है वहीं पे खड़ी हो जाती है, वहाँ से पैदल ही आना पड़ता है। वहाँ पे वाइट टेंपल है, वो भी एक मंदिर है मुझे लगता है, कार्तिकी का होगा या फिर नंदी बाबू। ये यहाँ कुछ शिवलिंग जो कि मंदिर के आदि याद लगा पूरा, लेकिन यार सुकून बहुत आता है यार आने के बाद। ये भैया जो फोटो ले रहे हैं, यहाँ पे मुझे तो लगता है सारे इंडियन ही हैं, नेपाली साले बहुत कम दिख रहे हैं। ये देख, बट नेपाली की लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं। मैं तो उन्हें देख कर पहली नज़र में ही लव हो जाता है, बस उनकी तरफ से कुछ नहीं होता है किसी के लिए। मुझे तो एक नेपाली नहीं आती है, मैं हिंदी में कुछ बोलता भी हूँ तो उनको समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहा हूँ मैं। यह है हमारे नंदी बाबा, जो कि आपको पता ही होगा जहाँ महादेव रहते हैं वहाँ नंदी बाबा जी भी रहेंगे। यह सामने का दृश्य जो कि बहुत ही अनोखा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ चुके हैं नेपाल के पोखरे ज़िले में, जो कि यहाँ नेपाल में स्थित है। यह है वहाँ के कुछ अनोखे दृश्य, जो कि बहुत कम ही लोगों को नसीब होता है, क्योंकि यह पहाड़ी के बहुत ऊपर है। यहाँ लोग बहुत कम ही आ सकते हैं। यहाँ महादेव का प्रतिमा रखा हुआ है, जो कि आप देख ही सकते हो कितनी बड़ी है। ये इसके अंदर अंदर जो है शिवलिंग दिए हुए हैं, जो कि आप देख ही सकते हो कितना सुंदर दृश्य है। यह मेरे कुछ दोस्त वगैरह जो वहाँ घूमे हुए हैं। मैं हूँ कि मैं दो मिनट पे तो ब्लॉगिंग करने लगता हूँ, मुझसे वो बहुत परेशान हो चुके हैं। बोल रहे हैं तो ऐसे ही ब्लॉगिंग करेगा तो मैं तुझे छोड़ के भाग जाऊँगा यहाँ से। मैंने कहा जाओ यार, मुझे अकेले भी उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डमरू जैसा, इसके अंदर कोई मुझे लगता है ताला वगैरह दे रखा, बहुत ऊंचा है यह।
ये मुझे लगता है नीचे जाने का रास्ता भी दे रखा है कुछ है। ये देखिए पोखरा दिख रहा है यहाँ से, कितना हाईएस्ट सिटी है। मुझे ये नहीं समझ में आता भगवान ऐसी जगह पे क्यों आते हैं जहाँ इतना मुश्किल होता है। चढ़ते चढ़ते तो मेरी हालत ख़राब हो गई है, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, होटल से डायरेक्ट मैं यहीं पे चला आया हूँ। चढ़ते चढ़ते मुझे लगता है 2 बज गए हैं, अभी पहुँचा हूँ, पहुँचते ही तुरंत ब्लॉगिंग करने लगा मैं। यह है अपोजिट साइड का कुछ पीछे से दिख रहा है। ये नीचे का रास्ता जो कि बहुत ऊंचा है, वो वीडियो में दिख रहा होगा, जो टैक्सी वगैरह है वहीं पे खड़ी हो जाती है, वहाँ से पैदल ही आना पड़ता है। वहाँ पे वाइट टेंपल है, वो भी एक मंदिर है मुझे लगता है, कार्तिकी का होगा या फिर नंदी बाबू का। ये यहाँ कुछ शिवलिंग जो कि मंदिर के आरियात लगा पूरा, लेकिन यार सुकून बहुत आता है यार आने के बाद। ये हैं भैया जो फोटो ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे तो लगता है सारे इंडियन ही हैं, नेपाली साले बहुत कम दिख रहे हैं। ये देखो बट नेपाली की लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं, मैं तो उन्हें देख कर पहली नज़र में ही लव हो जाता है, बस उनकी तरफ से कुछ नहीं होता है किसी के लिए। मुझे तो एक नेपाली नहीं आती है, मैं हिंदी में कुछ बोलता भी हूँ तो उनको समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहा हूँ मैं। यह है हमारे नंदी बाबा, जो कि आपको पता ही होगा जहाँ महादेव रहते हैं वहाँ नंदी बाबा जी भी रहेंगे। यह सामने का दृश्य जो कि बहुत ही अनोखा